35 डिवाइडेड बाय 7 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 डिवाइड 7 या 35 बाय 7। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, अपने एक अंक को लेना होता है और देखना है क्या ये संख्या आपकी 7 से बड़ी है बड़ी नहीं है, यानी हम 3 में अपना 7 का भाग नहीं दे सकते। तो फिर क्या करें, एक अगले अंक को और शामिल कर लें। देखिए हम भाग कब दे पाएंगे, जब आपका यहाँ पे दी गई संख्या 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कितना बन गया 35, यानी 7 का भाग दे सकते हैं, 7 से बड़ी आ गई है। ओके चलिए हम 7 का पहाड़ा लिखते हैं और हम उतनी बार पहाड़ा को लेंगे जिससे कि आपका 35 से बड़ा ना हो। ठीक है चलिए यहाँ पे हम करके समझते हैं। 1 7 2 7 तो 72 चल जाए, 3 आता 21, 4 आता 28, 5 7 35। देखिए 35 खुद आ गया जो यहाँ पड़ा है, कितनी बार पहाड़ा बोलने पे, 5 बार बोलने पे। ठीक है ओके, जो संख्या आएगी इसको यहाँ लिखना होता है इसके नीचे, फिर क्या करना होता है इसको घटाना होता है। 35 माइनस 35 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये दोस्तों आपका क्या बन गया, यहाँ पर भागफल बन गया सर 0, यहाँ पे आपका क्या बन गया सेंसफल 35/7 बराबर क्या लिखेंगे हम, अपना भागफल लिखेंगे। ठीक है क्लियर है, आसान है।